हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ, फिर हम देखते हैं हमारी आज की डिस्कशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको पेयर दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। पहला आपके सामने दिया गया है GSAT-11, सामने दिया गया है कि इसरो का हैवीएस्ट सेटेलाइट है। दूसरा दिया गया है GSAT-9 है, उसमें दिया गया है कि साउथ एशिया का सेटेलाइट है। तीसरा दिया गया है GSAT-29, इसमें दिया गया कि यह कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। और चौथा यहाँ पे दिया गया है नोवा सर, इसमें लिखा है कि यूएस सेटेलाइट है और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसने करेक्टली की बात यहाँ पे की है। तो देखो, हम एक एक करके इनको डिस्कस है वो करते हैं ताकि हमें सेटेलाइट के बारे में पता है वो चल जाए। यहाँ पे वैसे आंसर बी सी है, मतलब यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नोवा सा सेटेलाइट है वो यूएस का सेटेलाइट है और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसमें गलती क्या है, पहले इसी को देखते हैं। देखो, नोवा सा सेटेलाइट है वो एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट नहीं है, पहली चीज़ तो आपको यह ध्यान रखनी है। ये एक्चुअली अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए एक सेटेलाइट है वो बनाया गया है। और नोवा सा सेटेलाइट है वो यूके का है, ये आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड किंगडम का यह सेटेलाइट है और इसरो के द्वारा इसको लॉन्च है वो किया गया था, तो ना कि यूएसए का। तो इसलिए चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है वो हो जाता है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। GSAT-9 है, हम उसकी बात करें तो वो साउथ एशिया का सेटेलाइट है जिसे सार्क सेटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट है वो नहीं किया है, पाकिस्तान इसमें भी यहाँ पे मतलब इस सार्क सेटेलाइट में शामिल है वो नहीं है। इसका काम क्या है, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट सर्विस हुई, डिजास्टर मैनेजमेंट हुई या फिर टेली मेडिसिन हुई, टेली एजुकेशन हुई, वेदर फोरकास्टिंग हुई इस रीजन में, इन सब के लिए काम है वो करेगा। और GSAT-11 की बात करें तो यह है वो इंडिया का सबसे हेवीस्ट सेटेलाइट है अभी तक का, जो कि एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। देखो, जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट होते हैं और जो अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सेटेलाइट होते हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट होते हैं ये काफ़ी हेवी होते हैं, मतलब सबसे भारी अगर सेटेलाइट की बात करें तो होते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट। बाकी जो अगर पर्सनल यूज के लिए हुए, जैसे कि DRDO के द्वारा भी कुछ सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं इसरो के अपने पर्सनल यूज के लिए, या अर्थ को ऑब्जर्व करना हो तो उसके लिए जो सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो काफ़ी लो वेट के होते हैं, मतलब उसमें उतना वेट नहीं होता जितना नॉर्मली कम्युनिकेशन सेटेलाइट में होता है। और बात करें GSAT-29 की, तो ये GSAT-29 है, इसका मेनली फोकस ये है कि हमारे देश में जो हिली एरिया है, मतलब वहाँ पे काफ़ी टेरेन डिफिकल्ट है, उन एरियाज़ में रिमोट दूरदराज एरिया है वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल करवाई जा सके, इंटरनेट हो या फिर मोबाइल जैसी सुविधाएं। तो इसलिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, वो ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एपिक प्लेनेट रिसेंटली न्यूज। पहला दिया गया है कि जो एपिक प्लेनेट है वो नासा के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि जो एपिक प्लेनेट है इसका मास है वो अर्थ से 27 गुना ज़्यादा है और इसी के साथ ही जो इसकी त्रिज्या है या फिर जो रेडियस है वो अर्थ से 6 गुना ज़्यादा है। आपको पूछा कि विच वन ऑफ द करेक्ट, मतलब कौन सा यहाँ पे सही है। तो देखो, हम यहाँ पे बात करें एपिक प्लेनेट की, तो एपिक प्लेनेट है वो यहाँ पे, पहली बात तो क्या है इसमें कि है इंडिया के द्वारा है, इसकी मतलब खोज है वो की गई है। तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे पहला स्टेटमेंट तो गलत होगा कि नासा सेटेलाइट की बात ही नहीं है, इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये स्टेप वो उठाया गया है, तो ऑब्वियसली पहला तो गलत हो गया। अब दूसरे की हम बात करें तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, अहमदाबाद के अंदर के जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है उसके द्वारा तो एक्चुअली प्लेनेट इसको डिस्कवर है वो किया गया है। और एपिक जो प्लेनेट है वो एक तरीके से अर्थ के जैसा ही एक प्लेनेट है, बट उसकी साइज है वो अर्थ से भी काफ़ी गुना बड़ी है, तो इसको कंपेयर किया गया है बेसिकली सैटर्न प्लेनेट से। तो यहाँ पे दिया गया कि जो एपिक प्लेनेट है वो वैसे तो साइज में स्मॉल है, बट जो सैटर्न ग्रह है इससे तो, बट इसकी साइज है वो नेपच्यून ग्रह से काफ़ी बड़ी है, उसका जो मास है वो अर्थ से 27 गुना ज़्यादा है और बात करें इसकी रेडियस की त्रिज्या है वो है अर्थ से 6 गुना ज़्यादा। तो ये आपको छोटा सा फैक्ट है वो यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया है कतरीन एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्वेश्चन ये है कि कतरीन एक्सपेरिमेंट है वो रिसेंटली न्यूज में था, किससे रिलेटेड है। पहले यहाँ पे दिया गया है न्यूट्रिनोज, दूसरा दिया गया है यहाँ पे हिंग्स बोसोन, और चौथा दिया गया है यहाँ पे साइक्लोन ऑफ पैसिफिक ओशियन, चौथा यहाँ पे दिया गया है फोटोन्स। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कतरीन एक्सपेरिमेंट के लेके। देखो, जो कतरीन एक्सपेरिमेंट है उसमें हम बात करी है न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए स्टार्ट है वो किया गया था, तो मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है वो हो जाएगा। और इसका जो मेनली सेटअप है वो किया गया है कैंपस नॉर्थ ऑफ कालचौर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें होगा क्या, कतरीन जो एक्सपेरिमेंट है इसमें जो न्यूट्रिनो का जो मास होता है उसके बारे में स्टडी है, डीप स्टडी है, उसके मेजरमेंट्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉन का जो बेटा डेसिसी है उन सबको यहाँ पे कवर है वो किया जाएगा, मतलब एक तरीके से उस पर रिसर्च वगैरह की जाएगी कि ये संदिग्ध है वगैरह क्या है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कॉरस्पॉन्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब एक खगोलीय इकाई है वो किसके बीच की दूरी को शो है वो कहती है। पहला दिया गया है कि सन एंड मून, दूसरा दिया गया है मून एंड अर्थ, और तीसरा दिया गया है अर्थ एंड सन, चौथा दिया गया है नन ऑफ दीज। तो देखो हम बात करें एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो वो होता है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस के आधार पर, कि अर्थ और सन के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से हम यहाँ पे माना है वो या जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस के कुल होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को लेके। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है। तो देखो हम बात करें, पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये भूखमरी को निपटाएगा, भूखमरी से निपटेगा, और उसको जो हमारे देश में फूड इनसिक्योरिटी है, जो मॉलन्यूट्रिशन है, इससे भी निजात हमें दिलाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि जो मेक एग्रीकल्चर हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, फिशरीज वगैरह हुई, प्रोडक्ट हुए, इन सबको ये डेवलप है वो करेगा या उनको प्रोडक्टिव बनाएगा। तीसरा कह रहा है कि रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, मतलब जो रूरल एरिया में या ग्रामीण एरिया में जो गरीबी है उसको दूर करने में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काम है वो करने वाला है। तो देखो हम बात करें यहाँ पे तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर है वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3, मतलब ये तीनों के तीनों हम यहाँ पे सही ध्यान में रखने हैं। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ओपन एंगेज लाइसेंसिंग पॉलिसी को लेके। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया कि यह एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, दूसरा दिया गया कि लैंड एक्विजिशन अंडर उड़ान स्कीम है, तीसरा दिया गया है कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट, चौथा दिया गया है स्वच्छ भारत। तो अब आपको बताना है ओपन एंगेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी OALP है वो किससे रिलेटेड है। देखो यह है हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखो हम यहाँ पे एक तरीका फैक्टर वो डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ की फॉर्म में। देखो पहले क्या था, पहले थी गवर्नमेंट की न्यू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरिंग पॉलिसी, यानी ये गवर्नमेंट की पहले पॉलिसी थी, या नेल्प के नाम से भी इसे बेसिकली जानते हैं, NELP, ये गवर्नमेंट की पहले पॉलिसी। इसमें क्या था, इसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो हाइड्रोकार्बन या जमीन से जो भी पेट्रोलियम गैस वगैरह निकली जा रही है उसका प्रॉपर लाइसेंस मिलता था, उसके बाद ही जो कंपनी है वो वहाँ पे काम है वो कर सकती थी। हेल्प में थोड़े मॉडिफाइड किया गया कि भाई नए रेगुलेशंस वगैरह, जिस तरीके से आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, हेल्प में हेल्प का मतलब था हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरिंग न्यू पॉलिसी। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जैसे कोई भी पर्सन यहाँ पे किसी कंपनी वगैरह में काम, कोई भी पर्सन है या कोई भी कंपनी है वो हाइड्रोकार्बन के एरिया में काम कर रही है और उसको वहाँ पे दूसरे मिनरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो वही उनको एक तरीके से एक्सप्लोर करेगी और उनके बारे में स्टडी वगैरह करेगी। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी वहाँ पे एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है या उनमें लड़ाई देखने को मिलेगी। तो ये तो होता है इसमें हेल्प में। इसके साथ इसमें यह प्रावधान किया गया था हेल्प में कि जो हाइड्रोकार्बन जमीन से एक्सप्लोर किए जाएंगे तो उसके अंदर है वो प्रॉफिट शेयर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे है बात की कि रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल। रिवेन्यू शेयरिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये एक एरिया है और यहाँ पे कोयला के भंडार मिल गए और ये किसी कंपनी को ठेका दे दिया, ए कंपनी को ठेका दे दिया। अब ए कंपनी का ठेका देने के बाद क्या है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोयला निकाला है, मान लो कि एक दिन में 1,000 करोड़ रुपए का कोयला निकाला गया, तो कम जो गवर्नमेंट है इसको इसका फिक्स हिस्सा मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट ने जैसे पहले एग्रीमेंट कर लिया कि 20% हिस्सा वो गवर्नमेंट को दिया जाएगा, तो अब से इस 1,000 करोड़ रुपए से इस कंपनी को कितना भी फायदा हो वो मतलब नहीं है, इतना पैसा कंपनी को देना ही होगा। इससे कोई मतलब नहीं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है कितना नहीं हो रहा, मतलब एक फिक्स प्रोडक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भी काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में, पहले भी काफ़ी सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं कि हेल्प है वो एक नई पॉलिसी है हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर है वो करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है सेला टनल को लेके। देखो सेला टनल है वो अभी अरुणाचल प्रदेश में एक तरीके से उसको इनॉग्रेशन है, उसका नींव है वो रखी गई है। थोड़ा मैप देखते हैं कि है कहाँ कहाँ। ये एक्चुअली बोमडिल्ला को तवांग से मेनली कनेक्ट है वो करती है। बोमडिल्ला से जब हम तवांग की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक जगह आती है सी पास, उस एरिया में वहीं सेला पास में ही इस टनल का निर्माण किया गया है ताकि जो कनेक्टिविटी है तवांग से लेके बोमडिल्ला के बीच में उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके और चाइना के ऊपर, मतलब चाइना की जो मनमर्जी है उसको भी कहीं ना कहीं रोका है वो जा सके। इसके लिए ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब देखो ये प्रधानमंत्री ने अभी इसका इनोग्रेशन है वो किया था सेना टनल प्रोजेक्ट का अरुणाचल प्रदेश में। कितने का है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है। देखो हमारे देश में एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली आर्मी नेवी वगैरह के लिए जो मतलब जम एक तरीके से रोड वगैरह बनानी है उनका काम करता है डिफेंस सेक्टर के लिए। इसके साथ ही कुछ अगर इमरजेंसी होती है, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ पे मतलब ब्रिज वगैरह बनाना हो, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जारान डेराराम हाईवे बनाया था, तो वो भी बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन का ही बनाया गया था। इसकी लेंथ है वो है 12.4 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी, जब सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होगी तो भी तवांग का जो मेन हिस्सा है वो बाकी हिस्सों से कनेक्ट है वो रहेगा। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो दिए गए हैं। और इसी के साथ ही जो तेजपुर से तवांग के बीच का जो रास्ता है उसको काफ़ी कम कर देगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी हेल्प है वो मिलने वाली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मेगा फूड पार्क को लेके। देखो कंटेक्स्ट अभी यह है कि हिमाचल प्रदेश में पहला फूड पार्क मेगा फूड पार्क है वो स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आया कि मेगा फूड पार्क स्कीम है किसकी। मेगा फूड पार्क जो स्कीम है वो मेनली आई थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड इम्प्लीमेंटिंग के द्वारा। और इसमें क्या था मेगा फूड पार्क में, आपको एग्जाम्पल थोड़ा मैं बताता हूँ तब ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर है वो हो जाएगी। देखो ये मान लो कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फार्मर से, ये मान लो कि किसी किसान बहुत सारे एक एरिया में किसान है और उन्होंने सबने टमाटर बो रखे हैं। अब आपको पता है कि वो सब मार्केट में एक साथ बेचेंगे तो उनको कुछ दाम नहीं मिलेंगे, उनको ऑलमोस्ट 50 पैसे 1 रुपये पर किलो 1 रुपये पर किलो भी नहीं मिलेगा ढंग से, तो कहने की उनको काफ़ी लॉस हो जाता है। इस कंडीशन में किसान अपनी काफ़ी सारी फसल है वो भी बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो ये मेगा फूड पार्क मॉडल है इसमें प्रावधान किया गया है कि जगह जगह पे एक क्लस्टर या एक एरिया बना दिए जाएंगे कि वहाँ पे किसान अपनी फसल है वो दे सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है हमारे पास ये फसल है, ये रॉ मेटेरियल जो भी हो उनको प्रोवाइड है वो करवाना है। फिर क्या करिए गवर्नमेंट उनको एक तरीके से प्रोसेस करेगी, जैसे मान लो कि एक किसान के ने अपने टमाटर बो रखे हैं तो वो टमाटर क्या करेगा, जो प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं या प्राइमरी जो प्रोसेसिंग सेंटर हैं PCCC के नाम से इन्हें जानते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे टमाटर वगैरह को लाया जाएगा, धोया वोया जाएगा, जो ख़राब होने वाले हैं उनको अलग रखा जाएगा, इनके साथ उनको साथ जो भी एक्टिविटीज़ करनी है वो उनके साथ की जाएगी। इसके बाद में क्या होगा कि जो टमाटर हैं वो जाएंगे मेगा फूड पार्क सेंटर में, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो टमाटर किसानों ने मतलब पैदा किए थे उनको एक्चुअली यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा और उनसे जैसे कि सॉस वगैरह बना दिया, जैम वगैरह कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। अब देखो आपको पता है वैसे तो टमाटर बिकते हैं मान लो 1 रुपये 5 किलो 10 रुपये किलो, बट जो सॉस वगैरह होगा वो तो काफ़ी महंगा बिकता है, तो जो काफ़ी अच्छा मार्जिन होगा वो किसानों को भी मिलेगा और जो कंपनी काम कर रही है उसको भी मिलेगा। तो ये इसके फूड मेगा पार्क के जो कुछ फीचर्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो इसको इंप्लीमेंट करने वाली है, हमारे देश में जगह जगह मेगा फूड पार्क है वो बनाए जा रहे हैं। और इंडिया का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो बनाया गया था सिरिनी मेगा फूड पार्क, जो कहाँ पे है जो है मेनली आंध्र प्रदेश में, 2012 में इसका निर्माण है वो किया गया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है अबू धाबी को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अबू धाबी गवर्नमेंट है उसने जो वहाँ के कोर्ट हैं उसकी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी को डिक्लेयर किया है, मतलब वहाँ के जो ऑफिशियल कोर्ट के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है पहले तो यूज़ की जा रही थी अरबिक और इंग्लिश, बट अब वहाँ पे हिंदी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो जो UAE है वहाँ पे हम बात करें तो हमारे देश के काफ़ी बड़ी वर्कर काफ़ी बड़ी फोर्स है वो रहती है, लगभग वहाँ की 30% जो वर्कर या 30% जो वहाँ की जनसंख्या है वो इंडिया की है और काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पे रहता है इंडियन लोगों का, वहाँ पे काफ़ी बड़ा डायस्पोरा भी है इंडिया का और इसीलिए उसको थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दिया गया है कोर्ट के तौर पे। तो ये आपको फैक्ट है वो ध्यान में रखना है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे हिंदी बोलने वाले पर्सन हैं वर्कर्स और उनको जब भी कोई केस वगैरह कुछ इश्यूज़ होते हैं तो वो एक्चुअली वहाँ की लैंग्वेज में कंफर्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये लैंग्वेज का फॉर्मूला वहाँ पे स्टार्ट है वो किया गया है। तो ये आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे देखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है ई कोकून के बारे में। देखो ई कोकून है क्या, वैसे आपको समझ में आ गया कोकून, कोकून तो एक्चुअली जो हम बात करें यहाँ पे जो रेशम पैदा किया जाता है उसका एक कीड़ा होता है उसको स्टार्टिंग में कोकून के नाम से जानते हैं, तो आपने सही समझा। जो कोकून है वो एक्चुअली एक मोबाइल एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, और इसका काम क्या होगा, ई कोकून का काम ही है कि एक क्वालिटी की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाएगा कंपनीज को, जो भी एक तरीके से यहाँ पे हम बात करें चाहे कोई कंपनी का प्रोडक्ट हो या फिर हम जैसे कुछ से सिल्क वगैरह हो गया उसकी हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जो सिल्क के जो भी क्वालिटी होगी उसको यह इंश्योर है वो करेगा, और जो सिल्क के वॉर्म हो सेक्टर हैं इसमें काफ़ी हेल्प इसके द्वारा क्वालिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट थे जिन्होंने यहाँ पे देखा। अब एक बैकग्राउंड में एक छोटा सा फैक्ट ये है कि इंडिया, आप ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिल्क है प्रोड्यूसर है, नंबर वन की बात करें तो वो प्रोड्यूस किया जाता है चाइना में, चाइना में सबसे ज़्यादा सिल्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद में सेकेंड नंबर पर आता है हमारा प्यारा इंडिया।
और इंडिया की बात करें सिल्क प्रोडक्शन की, तो वो इस बार है वो रहा है 38,500 टन, और बात करें लास्ट ईयर था वो था 32,000 टन। तो ये कुछ डाटा दिया गया, इतने तो हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये देखना कि ई कोकून है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एप्लीकेशन है, ताकि जो सिल्क सेक्टर है उसको थोड़ा बूस्ट है वो किया जा सके और उसके अंदर क्वालिटी को बरकरार रखा जाए। इसके साथ जो नेक्स्ट आर्टिकल आया है वो आया है सार्क बे को लेके। तो सबसे पहली बात, ये सार्क बे है कहाँ पे? ये तो आपको दिख रहा होगा इंडियन ओशन, यहाँ पे ये होगा पैसिफिक ओशन, और ये यहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट कोस्ट आप यहाँ दिख रहा है आपको, इस हिस्से में आती है सार्क। देखो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट कोस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये है सार्क बे। अब देखो ये काफ़ी गर्मी रह रही थी तो ये एरिया काफ़ी एक तरीके से डिफिकल्ट हो गया था, यहाँ पे काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, पहली चीज़ तो ये होगी। अब हम देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये आया है कि जो सार्क बे है इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट में रखा गया है मरीन इकोसिस्टम के तहत, जो जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये तो हुआ है यहाँ पे कंटेक्स्ट। 2011 में बात ऐसी थी कि यहाँ पे जो वेदर की कंडीशन है वो काफ़ी एक्सट्रीम हो गई थी टेम्परेचर में, जिससे काफ़ी लोगों की जान माल को, काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था। तो ये यहाँ पे इफेक्ट दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सार्क बे जो कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज मरीन इकोसिस्टम में इंक्लूड है वो किया गया है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे काफ़ी सारे तूफान वगैरह, हीट वेव, लू वगैरह है वो चलती हैं, काफ़ी लोगों की जान माल को नुकसान भी होता है। तो देखो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।